2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। शिवसेना आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गोवा में गठबंधन करने जा रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि वो आगामी लोकसभा चुनाव गोवा में GSM यानी गोवा सुरक्षा मंच पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। बता दें कि शिवसेना ने पिछले साल गोवा विधानसभा चुनावों में भी पूर्व RSS नेता सुभाष वेलिंगर की अगुवाई वाली GSM के साथ गठजोड़ किया था, हालांकि वो एक सीट भी जीतने में नाकाम रही। संजय राउत ने सोमवार को कहा कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गोवा में 2 सीटों पर गठबंधन की मंजूरी दी है। राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने ये बात सार्वजनिक की। बता दें कि गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं, फिलहाल दोनों ही सीटों पर भाजपा का कब्जा है। इस दौरान राउत ने कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें कुछ समय के लिए आराम करना चाहिए और फिर सक्रिय राजनीति में वापस आना चाहिए। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।